प्रदेश के नीमच शहर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भादवा माता धाम माता का एक ऐसा मंदिर है जिसे मालवा की वैष्णो देवी के नाम से भी पहचाना जाता है। ये मंदिर और इसमें विराजित भादवा माता अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक और दिव्य मानी जाती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का ऐसा विश्वास है कि भादवा माता के आशीर्वाद से लकवा, नेत्रहीनता और कोढ़ग्रस्त कई रोगियों को लाभ मिलता है। मालवा की वैष्णो देवी के नाम से विश्व विख्यात चमत्कारिक स्थल महामाया भादवा माता का नया भव्य दिव्य मंदिर निर्माण इन दिनों जोर शोर से चल रहा है, जिसमें शहर के सबसे बड़े समाज सेवी अशोक गंगानगर ने 5 करोड़ रुपए की दान राशि देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही धानुका परिवार से भी 3 करोड़ की दान राशि मंदिर निर्माण के लिए मिली है। रविवार को भादवा माता के आस्था भवन पर मंदिर निर्माण में बेहतर से बेहतर कार्य के लिए कलेक्टर दिनेश सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मास्टर प्लान के तहत होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा हुई। प्रसिद्ध समाज सेवी अशोक अरोरा गंगानगर द्वारा मंदिर निर्माण में बड़ा योगदान दिया जा रहा है। अशोक अरोरा ने माताजी के आशीर्वाद से मंदिर निर्माण का पूरा काम अपने जिम्मे लिया है। करीब 5 करोड़ से अधिक की राशि अरोरा द्वारा मंदिर निर्माण में खर्च की जाएगी। अरोरा माँ भादवा माता के अनियन भक्त है और माँ भादवा के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। सालों से माताजी की सेवा में लगे हुए हैं। मंदिर के संबंधित कोई भी काम के लिए हमेशा अपने हाथ खुले रखते हैं। शहर के सबसे बड़े समाज सेवी अशोक अरोरा माँ भादवा रानी के बड़े भक्त माने जाते हैं। वे नवरात्रि और अन्य दिनों में भी यहाँ दान राशि मंदिर सहयोग के रूप में देते हैं। वे शहर के किलेश्वर महादेव मंदिर के भी बड़े भक्त हैं। यहाँ भी वे हर साल सावन में एक बड़ी भोलेनाथ की सवारी निकालते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। साथ ही कोरोना काल में भी समाज सेवी अशोक अरोरा ने कई ऐसे काम किए हैं जो मानव सेवा में गिने जाते हैं। समाज सेवी अरोरा माँ के बड़े भक्त होने के चलते इनकी आस्था माँ भादवा के लिए ज्यादा है। ये जो अमाउंट आप मुझे बता रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए का दान दिया है, तो ये बहुत बड़ा राशि के रूप में, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि राशि महत्व नहीं रखती है। हमारे क्षेत्र के जो समाज सेवी है अशोक जी अरोड़ा, मैं उनसे बखूबी परिचित हूँ और राशि का यहाँ महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि उनने ये जो भादवा माता जो मालवा अंचल की वैष्णो देवी के नाम से भी जानी जाती है, जो आरोग्य धाम माना जाता है, जो दिव्यांग लोगों के लिए वहाँ का पानी एक तरीके से कहा जाए पवित्रता थी, वहाँ पे चमत्कार था, लेकिन अव्यवस्थाएं काफ़ी थी जो अशोक जी अरोड़ा ने वहाँ समझे।
दान दिया है, उसमें गार्डन लोग जो हम देवी ने सपने में दर्शन देकर कहा कि गांव से कुछ दूर जंगल में मूर्ति दबी हुई है, उसे निकाल कर स्थापित करो ताकि वे मानव जाति के कष्टों को मिटा सके। इसके बाद खुदाई कर देवी की मूर्ति को निकाल कर स्थापित किया गया, जिन्हें आज सभी भादव माता नाम से पूजते हैं। भक्तों द्वारा जब से मंदिर निर्माण कराया गया तब से आदिवासी समाज द्वारा पूजा की जा रही है। मालवा की वैष्णो देवी महामाया भादवा माता के बारे में मान्यता है कि मां के दर्शन मात्र से ही बड़े से बड़ा रोग ठीक हो जाता है। इसके अलावा मंदिर परिसर में बने कुंड के पानी से लकवा सहित असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। जब से माता यहां विराजित हुई है तभी से बावड़ी भी अस्तित्व में आई है और माता ने खुद ही भक्तों को रोग मुक्त करने के लिए जमीन से जल की धारा निकाली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी।